माँ ठीक से टिक के बैठल रहा। आ कहा भाई ये चोट कैसे लग गई? हम कुछ पूछ रहा बानी। रास्ता में चलत रही ना तो चलत चलत पैर फिसल गई। बुलबुल अब तू कौनो छोट को बच्ची ना रहलू, बड़ हो गई लो, शादी होके वाला बा तोहर। क्यों ऐसा हरकत करेला का? अगर तोर प्यारा से चेहरा के कुछ हो जाए तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी बाहर जाए तब केयरफुल रह। अच्छा सुन, फटाफट तैयार हो जा। प्रज्ञा दीदी के फोन आयल रहे, उनका घर में आज नया साल की पार्टी बा। तो आप उदास हो के काहे कह रहल बानी? तो और का करी, जब भी वो घर में कोनो त्योहार या पार्टी हो खेले हमके प्रज्ञा के लेके बहुत चिंता हो जाली। कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाला घर में कि जेकर वजह से प्रज्ञा और अभी के बीच के दूरी बढ़ जाले। हमके तो समझ में नहीं आवत कि कोनो ऐसा दिन आए कि जब ओकर सब मुश्किल खत्म हो जाए। का तू वह सोच रहल बाड़ा जोन हम सोच रहल बानी? तू का सोच रहल बाड़ू? देखा हमने पास बहुत अच्छा मौका बा। कैसन मौका? देखा खुशी के माहौल बा, तब दी और जीजू हमने के आसपास ही रहिए, तब तारा नहीं के लागत कि हमने के कुछ ऐसा करे के चाहिए जैसे वो एक दूसरे के पास आ जास, हमेशा खातिर एक दूसरे के हो जास। आई मीन देखा ना पूरब, वो हमने खातिर इतना कुछ कर ले बड़ी, हमने के शादी तय कर लिया, तो हमने उनका लता इतना कर ही सकत बानी ना। यू आर राइट, इनफैक्ट हम कुछ ऐसे नहीं सोचत रहे। देखा हमने के कुछ अच्छा करे के चाहिए दोनों खातिर। प्रॉमिस करा का? पूरा देखा जब तक जीजू और दीदी एक दूसरा के नेके हो जात तब तक हमने एक दूसरा के बारे में ना सोचा। प्लीज आई प्रॉमिस ऐसा नहीं होगी। एंड यू नो व्हाट, एक खुशी की शुरुआत आज के न्यू ईयर पार्टी से कर जाए। अच्छा ऑफ कोर्स। बस कोनो प्लान भी बाकी ऐसी बोल रहल बड़ा? प्लान तो बा और बहुत ही कड़क बा, तू बस देखा जा आज का होके वाला बा। यू नो ये पार्टी ऐसे ना होगी कि ये दोनों की जिंदगी बदल के रखती। यू जस्ट वेट एंड आई विश। कितना अच्छा लग रहा बाना दीदी। बहुत अच्छा सजावल बा। हम सजावट की बात नहीं की कर रहा, अपन परिवार की बात कर रहा बानी। बहुत अच्छा लग रहा बा हमके इनके देख के। पहले प्रज्ञा और अभी के बीच ठीक भर और फिर तू ठीक हो गए, खुश तो सब हो खिया ही ना। और पूरब और बुलबुल के शादी भुला गई नी, वो तो एगो खुशी के बात बाना। अरे भगवान जब देवे ले ना तो छप्पड़ फाड़ के देवे ले। अरे हम तो खुशी के मौका पे मस्ती करब बच्चा सब के साथ है। का है स्वर्णी? खूब धमाल कर जाए। अरे जी सरला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते माँ जी। नमस्ते, मुबारक हो के आप आ गए। आपके भी। अच्छा भैया आप आ गए। अरे आई थी कैसे ना, आपकी तबीयत भी तो पता करे के रहे ना, बाकी तो वैसे ही एक बहाना बा। आप बताई कैसे तबीयत बा आपके? बस जी जब तक हमार परिवार खुश बा सांस चल रहल बा। अरे ऐसे काहे कह रहल बानी आप? भगवान आपके लंबा उम्र करे। एकर मतलब बा परिवार खुश रहे। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, का बात बत बेटा, तू बदलल बदलल लग रहल बाड़ू। अरे ना दीदी, एकर शादी के खुशी के रंग एकर चेहरा पे आ गई बा। ओए होए ई तो शर्मा गई। का बात बा, हमार बहिनी नजर नहीं खिया रहा? हाँ वो मोहल्ले में ना हमनी के बहुत करीबी लोग बाड़े, उनकी घर शादी रहे, बीजी वहाँ चल गई नी और हमनी सब यहाँ आ गई नी प्रज्ञा के घर पार्टी में। वैसे आप ना आपके तबीयत अभी अभी ठीक भई बा, आप इतना देर खड़ा मत रही, आप थोड़ा देर आराम कर ली। ना 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 ना, अब हमके और आराम करे खातिर बिल्कुल मत कहिया और हम आराम बिल्कुल ना करब। आपकी बेटी हमारे इतना सेवा कैले बिया कि देख ले हम आपके सामने चुस्त दुरुस्त खड़ा बनी, अब तो हम भांगड़ा करब और हमके रोकब मत। दादी दीदी और जीजू कहाँ बाड़ी? बेटा वो तैयार हो रहल बाड़े, अभी आ जाई हैं।
हम जाना तने तो राग के खोज रहल बा। ऊ देखा हुआ बा ऊ। जा जा कौनो हमने के जमाना थोड़े बा, जहाँ शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलिए ना सकत रहलन। शर्मा मत जा। जाना Excuse me everyone, can I have your attention please? Ladies and gentlemen, friends and my dearest family, आज साल के आखिरी दिन है और कुछ ही देर में नया साल शुरू होके वाला बा। कुछ लोग बीता साल के लेके उदास बड़े तक, कुछ लोग आवे वाला साल के लेके बहुत एक्साइटेड बड़े। हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, इमोशन जौन भी होके सबके मन में नया साल खातिर एगो रेजोल्यूशन जरूर बा। केहू कुछ आदत अपनावे चाहत बा तो केहू छोड़ल। का बुरा बा का अच्छा बा इस सप्ताह सबके दिमाग में चल रहा बा, लेकिन आज हम आप लोग के ई बताइब के हमरा दिमाग में का चल रहा बा। अभी कौन नया ड्रामा करे वाला बड़े? पूरा कहीं जीजू के तार प्लान के बारे में पता तो नहीं के चल गई? भाई जैसन कि आप लोग जाने ले कि हमार लाखों फैंस पाड़े जे हमार गाना गुनगुनावत रहे ले, इंटरनेट, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन में हमरा बारे में पढ़त रहे ले। लेकिन आप सब लोग के ऊ पता बा कि हम अपन फैंस के साथे कैसन बानी, लेकिन अपन फैमिली के साथे कैसन बानी ई केहू नहीं खे जाना। वेल आप सब लोग के हम ई सीक्रेट के बारे में बतावे वाला बानी कि ऊ का ह जे हमरा दिल में बा। एक्चुअली तो आप सब लोग ओकरा जानत हो कब, आप में से कई लोग ओकरा जानत हो कब। हे भगवान कहीं हो मीतू से पीछा छुड़ावे खातिर ही साच ना बोल देस। और वो लड़की हिया बा, माय डियरेस्ट, हमार चार आँख वाला, सबके प्यारी, हमार वाइफ प्रज्ञा। अरे हाँ तू वहां का कर रहा लड़ू, प्लीज प्लीज कम ऑन स्टेज, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Jiju. Happy New Year. अरे, दी, I'm so happy for you. Jiju तो के कितना romantic way में wish कहले। Happy romantic new year. Happy new year, Buddhu. Happy new year, my dearest family and friend. Now, ladies and gentlemen, can I have your attention, please?
हम आप लोग के एक और खुशखबरी देवे वाला बानी। ये बात थोड़ा पुरान बा, लेकिन आज हम एकरा ऑफिशियली अनाउंस करे वाला बानी। बुलबुल, एवरीवन, ये है बुलबुल, हमार वाइफ के छोटा भाई। बियाना हमार वाइफ की तरह बिल्कुल खूबसूरत और हमार जैसे सुपर कूल। काहे कि ये हमार वाइफ के छोट बहिन बाड़ी ते इनकर खुशी के ख्याल रखल हमार फर्ज बा। इसे आज हम इनकर लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लेवे के डिसीजन ले ले बानी। हम एकर शादी करावे वाला बानी। सुनी, हाँ, कब तक ऐसे ही बैठल रहके? पता ना, पता ना, मतलब कुछ करी ना, वैसे तो इतना बड़ रॉकस्टार बनीला। हम रॉकस्टार हैं, पॉर्न स्टार ना, जे लेडीज चेंजिंग रूम से एक औरत के साथ बाहर निकली। अब सिर्फ अपना बारे में सोच ले, हमरा बारे में तो सोच ही नहीं खिराल। अब दरवाजा खुला रखत वक्त सोच ले तू अपना बारे में। हम दरवाजा आपकी खातिर ना बुलबुल खातिर खोल ले रही, आप आ गई नहीं पहले। तू बुलबुल खातिर दरवाजा खुल ले रहलू और बुलबुल हमके यहाँ अंदर भेज ली। एकर मतलब तहार बहिन बुलबुल जान बुझ के हमके यहाँ फसेगी। आप हमार बहिन के बीच में मत लाई, वह हमके यहाँ पे ले ले। वो ऐसा ना, हाँ हम ही ऐसा वानी। हमके अच्छा लगेला कि हम लेडीज चेंजिंग रूम में आके लड़की लोग के देखी, बहुत मजा आवेला हमके। ये लड़े के वक्त नहीं के सोची के वक्त, कुछ सोची की बाहर कैसे जाए जाओ। एक्सक्यूज मी, देखिए प्लीज बाहर आ जाए, हमने बहुत देर से बाहर वेट कर रहल बानी। हाँ हाँ, हमने के भी तो ट्राई करे के बा, ऑब्वियसली पता ना, हम बहुत देर से बाहर खड़ा बानी। हमके लगत बा कुछ गड़बड़ बा अंदर, हमके भी ऐसा नहीं लग रहल बा। हाँ तो वेट काहे कर रहल बानी, दरवाजा खुलाई। आपके टाइम की वैल्यू नहीं का? आई थिंक हमने के पुलिस के कॉल करे के चाहिए। पुलिस के बोले के कोनो फायदा नहीं के, पुलिस एक्चुअली लेटे आई। हम तो बोलते नहीं, सिक्योरिटी को बुला के दरवाजा तोड़वावा। अब को कह जाओ, हमरा समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मतलब, ओ लोग अंदर आ जे, दरवाजा तोड़ के हमने के एक साथ में देख लेता, तब ब्रेकिंग न्यूज बन जाए चारों तरफ, हमने के चर्चा होगी, तू वर्ल्ड फेमस हो जाएबू। यह तो चाहत रहलू ना तू। वैसे एगो बात कही, अगर तू बुरा ना माना ता तहार भलाई खातिर बोल रहल बानी, हम तोहर जेब बंद कर सकत बानी। ठीक बात, यहीं बैठल रहल जाए, इंतजार कर जाए कि लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए, ओकरा बाद तहार वर्ड प्रीमियर होगी। हमारे पास एक आइडिया बा, हम लाइट ऑफ कर देत बानी। तू पागल हो गेल बाड़ू फुगी, बाहर लोग खड़ा बाड़े और तोरा ई सब सूझत बा। ना ओ, हम लाइट ऑफ कर देत बानी, तब आप हमार जिप लगा दी। सुनी, एगो बात पूछी, आप जिप बंद करे वक्त आंख बंद रखब ना? अरे अरे, आंख बंद का? अगर तू चाहा तो हम अपन आंख के सॉकेट से निकाल के पॉकेट में रख दे, और फिर तो हर जिप बंद करे के बाद पॉकेट से निकाल के आंख के वापस सॉकेट में पुक फिट कर दे। हम तो सिर्फ ऐसे पूछे रहे कि हमके शर्म आवेला। अच्छा, एक बार दरवाजा टूटी ना तो सबके सामने शर्मैया। आंख आंख, ऑफ कोर्स, आंख बंद कर अब तक जिप कैसे देखा बा? हम उधर देखता नहीं। अरे के बात है, एक मिनट का भाई, नहीं अच्छा भाई आप आ गए नहीं, प्लीज यार देखिए हमने कब से खड़ा बानी, दरवाजा क्यों खोली नहीं कर रहा, दरवाजा तोड़ी। हां तोड़ी दरवाजा, दरवाजा खोली, दरवाजा तोड़ा यार, प्लीज तोड़ा, हमने कब से खड़ा बानी। हटो हटो हटो, एक सेकंड भाई साहब प्लीज, दरवाजा तोड़ी के का जरूरत बा? आप थोड़ी देर वेट तो करें, ये लोग को सबक सिखावा जरूरी बा। ऐसे ज्यादा वेट करे के कुछ ना होगी, हमके लागत बा थोड़ा वेट और करे के चाहिए, आप लोग प्लीज थोड़ा वेट ना, ना। आप प्लीज सैनिटी सिक्योरिटी अपन काम करी, प्लीज दरवाजा तोड़ी, हम बोल रहे बानी बहुत देर हो गई, कब से खड़ा बानी हमने, दरवाजा टूटे से का होगी? आप लोग प्लीज हमारे पास समझे, आप सामने से हट जाएं, हट जाएं, हट जाएं, हम देखत बानी। हां थोड़ा थोड़ा दरवाजा, हां थोड़ा 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 दरवाजा, हट जाओ तो लेके। अरे कहां रहल बाड़ा का भाईल? अरे यहां पे तो लंगर लागल बा,
ई तो रॉक स्टार अभी है। बेटा तू स्टार हवा, थोड़ा सा शर्म रखा, पब्लिक प्लेस में ही सब। ना ना अंकल जी, जैसे आप सोच रहल बानी वैसन कुछ नहीं खे, नथिंग लाइक दैट। हे लिसन, हमनी उहे सोच रहल बानी जोन देख रहल बा, शेम ऑन यू। इतना बड़ रॉक स्टार होके ए तरीका के गिरल हरकत, और तू देखे में तब बड़ा भोला लगत बाड़ू। एंड यू नो तोहरा जैसन लाइकन के वजह से सोसाइटी के सब लड़की बदनाम हो खेली। देखिन आप लोग सब गलत समझ रहल बानी। बिल्कुल सही समझ रहल बानी, तोहरा जैसन लड़की के वजह से स्टार लोग बदनाम हो खेले। ग्लैमर वर्ल्ड में घुसे खातिर कुछ भी करे खातिर तैयार। माइंड योर लैंग्वेज। अरे 5 मिनट आप लोग के इंतजार का करे के पड़ा, आप लोग अपन तमीज भूल गई नहीं? और औरत होके औरत से बात करे के तमीज नहीं है आपके? खुद अंदर अंदर गंदा हरकत करे ले और हमने कुछ भी नहीं किया। सकता का बोले तू? गंदगी कर रहा बानी ई हमार बीवी हिया। शी इज माय वाइफ। यू नो व्हाट आलिया, तू जितना ही दर्द के छुपावे की कोशिश करे लू ना, ई उतने तार फेस पर नजर आवेला। ई लेटर वर्ड के तार ई हाल बा, तो तब का होकी जब वो दोनों एक हो जाइए। कम ऑन आलिया, अभी भी तेरा पास टाइम बा, तो कुछ कर सकत बाड़ू। अगर ये रिलेशनशिप में पूरब एक कदम और बढ़ा ले लगना तो तू कुछ ना कर पाएगू। तार प्रॉब्लम का बा तनु, दोस्त हाउ की दुश्मन। जब भी हम पूरब के भुलावल चाहिला, ओके अपना से दूर कइल चाहिला, तब ऐसन चीज लाके हमके ओकर और याद दिलावेलू। और तू समझत काहे नहीं खुतनु, हम पूरब और बुलबुल के रिलेशनशिप के एक्सेप्ट कर ले बानी। एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। यस, तू अभी खुश बाड़ू लेकिन बाद में रोइबू आलिया। अभी तू सब कुछ एक्सेप्ट कर ले लू लेकिन बाद में तू पछताइबू और तू कुछ ना कर पाइबू। अरे हम तार दोस्त हैं, तरह ला अच्छा सोचला, तरह के गलती करे से बचल हमार ड्यूटी है। और ऐसे हम ही लेटर दिखावे आयल रहे, अब आगे का करे के बा उतार मर्जी। हम ही लेटर बुलबुल के देवे जा रहल बानी, और फिर 15 मिनट बाद जे होखी ना वो तू देख लिया, और फिर हम देखत बानी कि तू ओकर कितना पॉजिटिवली लेत पाड़ू। हमके तो बुलबुल से मिले जाए के रहे। दादी हम आवत बने। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हम कॉल करके आवत बने। पूरब कॉल बाद में करिया, पहले तू हमारे साथे चला, हमके तोरा से जरूरी बात करे के बा। बाद में बात कर जा प्लीज, ई कॉल ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। देख यार, बाद में हम भुला जाए, हमरा पास इतना ब्रिलियंट आइडिया बा ना कि तू सुनबा तो खुश हो जाएगा। ओके। बोले रहे वेट करी हमार, बाकी वेट तो हमके करे पड़ रहल बा। अभी हाल बा तो शादी की बात कहो की आवे दोगे, ऐसन सबक सिखाएब ना कि जिंदगी भर याद रही। ये आवाज कहां से आई? दादी हमार दोस्त के शादी हो रहल बा, और एकर खबर हमके के और से मिल रहल बा, हम इसे बहुत नाराज बने। बेटा उभैली की सब अचानक भइल ना एही से।
ये लोग तो छोड़िए नहीं खी रहा ना गई नहीं तो बुलबुल नाराज हो जाए का करी। प्रज्ञा दी प्रज्ञा दी हम काहे बात करी तू बुलाइले बाड़ा तो तू जाके बात कर। प्रज्ञा दी हम कैसे जा सकत बानी यहाँ से जाइब तो गेस्ट नाराज हो जाएगी और ना जाइब तो आपके बहिन बुलबुल नाराज हो जाए। अब आप ही बताएं कि आज के दिन हम कैसे। पूरब तू फिर से छोड़ के जा रहा बड़ा यार हमने सब तोहरा ले जाइल बनी और तू हेने आवा ना यार चल ना यार आओ। बुलबुल बुलबुल पूरब तो बोल रहे कि ये होगी बाकी बुलबुल बुलबुल के हुआ प्लीज हेल्प बुलबुल रुका बुलबुल प्लीज आँख खोलो कर कुछ समझ में बुलबुल बुलबुल कुछ ना होगी तू कैसा लगल आप लोग के ड्रेसेस अच्छा लगल ना या भाई इट्स वेरी नाइस के सेलेक्ट कैलक बुलबुल बुलबुल यू इट्स वेरी नाइस हमके बहुत अच्छा लगल यू वेलकम। अरे अभी तू तो बतावा तू इनकर सगाई में का पहने वाला बाड़े देखा हमके दिखावे के जरूरत नहीं के कहे की दासी हम जौन भी पहने बोकरा में हैंडसम ही लागत। All right. अरे ये बात बहुत ही सुंदर लेकिन तोरला कुछ ज्यादा बढ़ नहीं खे ई केकर सूट ले आईला ओनर जोन ड्रेस देले वो हम ले नहीं अगर तोहार ओनर साड़ी भेजी तक हम साड़ी पहन ले अपन ओनर के यह वक्त यहाँ बुलावा। सर उता अभी आउट ऑफ स्टेशन बड़े। जब वापस आए तो कह दिया कि सूट ठीक कर दे। सॉरी सर वो 5 दिन के बाद ही आई हैं। लेकिन 3 दिन में तो एंगेजमेंट बा तो हर ओनर के बोला अभी यह वक्त यहाँ आ जाए ना तो हम ओकरा पे चीटिंग के केस कर दे। ऑलराइट ओहो जीजू आप इतना सा बात पे इतना हाइपर हो रहा बड़े आपके ड्रेस ना आज ही ठीक हो जाए। कैसे और के करी प्रज्ञा दी उबाना उहे करी इस सूट के ना अल्टर करे के जरूरत बा कोनो बटन नहीं के कि तोहर दिस सुई धागा लेके ठीक कर दी है। जीजू शायद आपके मालूम नहीं के कि दिस स्टिचिंग भी जाने ले। बुलबुल तो का बोल रहल बड़ू इनकरी सूट तो डिजाइनर एक एक कहल जाला सर्वगुण संपन्न का भल बेटा जाना ठीक कर दा कोट अल्टर करे खातिर इनकर इनकर मेजरमेंट लागी ना तब बेटा प्रॉब्लम का बा हम अभी मेजर टेप मंगा देत बानी रॉबिन मैम टेप बा हमरा पास अब तो बूथ बन के काहे खड़ा पड़े नाप दे
तो पता ना का होगी, तू हमरा के बहुत ज्यादा हेल्प कर ले पड़ा तुझे। थैंक यू। सिर्फ आप लोगों के कहला पे हम अपन बॉस से झूठ बोल के ये एक्स्ट्रा लाश आज लाइल बनी। अभी सर के अगर पता चल गई और वो हमारे बॉस के कंप्लेंट कर दी है तो हमारी नौकरी तो गई। ई बात सिर्फ हमने तीनों के पता बताई, और अगर हमने अभी के ना बताई तो पता कैसे चले। राइट। लेकिन दो दिल के मिलावे में तू हमने के हेल्प कैला, काम खत्म। अब तू जा यहां से। बाय 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 टाटा। यस। अब तो जीजू के दी से इंप्रेस होके के ही पड़ी। अरे जीजू के छोड़ा आज तक बाकी हमारी तरह से बहुत इंप्रेस पाने। एक बात बतावा, ये तुम्हारे दिमाग में आइडियाज कहां से आवेला बतावा हमके। देखो दिमाग बा तो अच्छा आइडियाज भी आई। मतलब हमरा में दिमाग नहीं खे। आई मीन दिमाग बा, बाकी तुम्हारे आइडियाज ना काम ना करेले। आई नो, दिमाग काम ना करेला तो आइडियाज भी काम ना करेला बा ना। तो हम हूँ कौन काम के बारे में बोल रहे। तू तू ये सब काम खुद का है नहीं, क्यों कर हमार का जरूरत बात तोरा के। हैव फन एंड ऑल द बेस्ट। ओके पूरा गुस्सा करे आवेला, बाकी दिखावे ना आवेला। वाह ये पूरा पता ना कहाँ चल गई, लगत बा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई बा बुद्धू। ये जे तू कल चाहत बाड़ू ना वो हम होखे ना देब। मतलब तारा का लगत बा कि तू और पूरब मिल के खिचड़ी पकाइबू और हमके कुछ पता ना चली। प्रज्ञा तहार शादी करवा रहल बिया और तू प्रज्ञा के शादी बचा रहल बाड़ू। वाह कहे ना करी हम तनु, हमार दी है यू और अभी हमार प्यार हो। हम उ दोनों के एक ना होखे देब। देना हमनी नया, हमनी नया केक मंगवा दे। और हाँ, और केक आ जाए से हम खुश हो जाएब ना। हाँ कहे कि हम तो हर फेवरेट केक मंगवाए, चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी। प्लीज अभी हमके बच्चे की तरह बलावे की कोशिश मत करो। हम आज तक अपन बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट ना करनी जहाँ जहाँ लोग हमरा पे हंस रहे होंगे। लोग ना तनु, सिर्फ हमनी के घर वाला का जरूरत रहे तोरा ये ड्रेस पहने के, ये पूछ वाला ड्रेस, ये के वजह से सब कुछ भेलवा। अच्छा मतलब तोरा के हमारी ड्रेस पसंद आई, अभी ड्रेस स्पेशली हम तोरा ला पहननी। तू यही में कमी निकाल रहा बड़ा। हम ही ना करल बनी की ड्रेस अच्छा नहीं के, हम करल बनी की तारा गिरे के वजह इस ड्रेस बतानू। रिलैक्स, हम अभी ठीक कर देता नहीं। अभी का कर रहा बड़ा तू, तारा स्प्रे मारे भी ना वेला। तनु हम अपन आँख भी ना खोल पा रहा बनी। क्यों क्यों व्हाट, तू एकदम फालतू बड़ा। का कहलू तू, हम फालतू बनी ना तने। एक्चुअली हम पागल बनी कि हम तोरा खातिर ये सरप्राइज प्लान करनी। पता बा 3 घंटे लागल हमका ये इयररिंग सेलेक्ट करे में और तोरा के 3 मिनट के हंसी बर्दाश्त नहीं क्यों हो रहा। फालतू हम ना, फालतू तू बड़ू जे हमार परिवार के समझ ना पैलू। अरे तरह से अच्छा तो फुग्गी भी आ जेकरा साथे जितना मजाक करला ना ओकरा बुरा ना लागेला, ओकरा खातिर थोड़ा करा ओकरा बहुत ज्यादा लागेला, और तोरा खातिर जितना भी करा तोरा कम ही लागेला। तोरा यह लागेला ना कि हम तो के खुश ना रख सकब। नाउ फॉलो 3 वर्ड्स तनु, गो टू हेल। अभी आई एम रियली सॉरी, गुस्सा में ऐसा बात निकल जाला ना मुँह से, आगे से ऐसे ना होगी, आई प्रॉमिस। अच्छा आप गुस्सा छोड़ा, हमके टिश्यू दो। देखा अगर हमके टिश्यू ना दे तो हम मुँह साफ ना करब, हम ऐसे ही बैठल रह पूरा दिन। So sweet of you. अच्छा चलो टिश्यू दो हमके दो। अच्छा अब एगो काम कर, तू ही हमार फेस साफ कर दो, तरह के जैसे अच्छा लगे वैसे साफ कर दो। हम ट्रस्ट में हम कुछ ना बोलब, आई प्रॉमिस प्लीज। का सोच रहल बाड़ा साफ करे ना। का कर रहल बाड़ा तू, मस्ती कर रहल बाड़ा, हुँ? साफ कर। यहाँ तक कुछ और ही चल रहल बा। चली ना हमनी का कबाब में हड्डी बनी, चली। अच्छा ये बतावा केक में कैसे लग रहल बानी। आई एम श्योर अच्छा ही लग रहा लो खब, और तहरा के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा लो खब है ना। अच्छा बताओ आज हमके कहाँ घुमावे ले जा रहल बाड़ा।
रॉबिन। तू यहाँ का कर रहा बड़ा? तार हिम्मत कैसे बैल हमरा टच करके? अभी के अभी यहाँ से जा। छी, यहाँ पर का कर रहा बा? हम अपन रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन। जे भी प्लान करे रहनी सब बर्बाद हो गई। आई डोंट नो, हमके अभी वाज राइट, हमके ड्रेस ना पहने के चाहत रहे। रिलैक्स रिलैक्स, तहार गलती तो बिल्कुल नहीं की, गलती तो बुलबुल के है। वो तहार ड्रेस पर पैर रख ले रहे, एकरा वजह से तू गिर गई। बुलबुल वो तहरा के जानबूझ के गिरवला, बिल्कुल अपने बहन के तरह ओवर स्मार्ट बिया। चश्मा ना पहन ले, लेकिन दूर के देख ले वेले। आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, यू शुड नॉट अंडरएस्टिमेट हर। दी ऐसे लोगन के साथ ना ऐसे होके के चाहिए, ऐसे करे के चाहिए। अगर तू ओके पहले सबक सीखतु ना तो आज नौबत ना आवत, लेकिन सबक सिखावे के और भी तरीका होखेला ना। दी अच्छा ही तोर कमजोरी बादी, और वैसे भी तू अपन शर्त हार चुकल बारू, ऐसे तरह के ऊ करे के पड़े जोन हम कहा। दी डोंट टेल मी कि तू भूल गयलू, तुमसे प्रॉमिस कर ले रहे कि अगर तू तनु के सबक न सिखाबू ना तो तरह के हमार बात माने के पड़े। याद बा हमके, लेकिन तू सर सीरियसली लगा ले रहलू? तरह और चीजू से रिलेटेड हर बात सीरियस ही होखे ले। लेकिन बुलबुल देख दी, कोनो बहाना ना चली, तरह के हमार बात माने के पड़ी। दैट्स इट, तू पहले बताई कोनो गड़बड़ ना होके के चाहिए, हमके या माँ के कोनो प्रॉब्लम ना होके के चाहिए। दी तू टेंशन मत ली, देख तू बस वैसे कर जैसा हम कहा था, नहीं वही में तार खुशी भी। हमार खुशी? हाँ, तहार खुशी चीजू के साथ है बा। अगर ऐसी बात रहता हो तोरा के सत लगावे की का जरूरत रहे, हम ऐसे ही कर देती। बताओ का करे के बा? पर प्रॉमिस करबू ना? हाँ करब, तू बोले तो सही। तू जीजू से प्यार करेलू ना? हाँ, तो तोरा के बस ई करे के होखी कि तू ना जीजू के जाके बता दे कि तू जीजू खाते काफिल करे। वैसे तो दिन रात दादी 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 कहत रहलू ना तू, लेकिन जब बात दादी के हेल्थ पे आयल तो कहाँ गायब हो गई रहलू तू? हम तो बस किचन में ही, किचन हॉल बालकनी यहाँ सब जाए के टाइम बात आ रहा पास, लेकिन दादी के कमरा में आवे खातिर इतना सोचे लू का है तू? तू जाने लू ना कि दादी हमरा खातिर का बनी, ओकरा बावजूद इतना लापरवाही। अगर ना हो सकेला सब कुछ तो फिर दिखावा का है। आलिया तीर बिल्कुल निशाना पे लगल गया, अब डॉक्टर अभी मिलकर एक क्लास लिए, अभी फेल हो गई। अब पता का अभी एक्टिंग करी, आई एम सॉरी आगे से ना होगी ब्ला ब्ला। हमके कुछ समझ में ही ना आ रहा हलबा, कौन से लापरवाही का कहली हम? का कहले बड़ू तू? डॉक्टर दादी की जिम्मेदारी हम एकरा ही देले रहनी, अब आप ही बताई कि एकर गलती का बा। वैसे प्रज्ञा हम ई नहीं की जानत कि आप का कहनी और का ना, बाकी एक बात तो तय बा कि इनकर खाना पीना में बिल्कुल ध्यान नहीं खे दिहल गई बा, और अगर इनकर वजन यही तरह से आगे भी घटल रहला तो कबो भी कुछ भी हो सकेला, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। सुन लू तू, सब तहरा वजह से भइल बा। सुनी डॉक्टर, आई एम सॉरी, लेकिन आपके खुद याद नहीं की कि आप हमरा से खुदे कले रहूं कि दादी के डाइट पे खास ध्यान देवे के बा। इनकर वजन अगर बढ़त बा तो इनके बीमारी पे सीधा सीधा असर पड़ी। इनके नाश्ता में सीरा के जगह ओट्स देवेनी, पराठा के जगह इनके रोटी देवेनी, वो तो चाय काफी बिल्कुल ही बंद कर देले बानी, ये सिर्फ जूस पीनी आजकल दादी, और ऐसे इनकी तबीयत में भी सुधार भइल बा। आजकल इनके जोड़ में भी दर्द ना होखेला, वो सीढ़ी से खुद चढ़ उतर आवेली, ऐसा कैला से इनका सांस भी ना फूलेले, और देखिए इनके पाँव के सूजन भी कम हो गए। वैसे हम बात में ना रिपोर्ट में बिलीव करेली, आई एम सॉरी आपके घटत वजन के देख के हम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई ने, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। वेल दादी यू आर एब्सोल्युटली फाइन।
जे तरह से ई दादी के देखभाल कैली, हमके नहीं खेलागत कि इनकर जगह कौनो और होकत तो ए तरह से देखभाल कर पाई थी। और ताज्जुब के बात तो ई बा कि जे रिकवरी कुछ महीना में होकत रहे वो कुछ दिन में ही हो गई। दादी आपके बहू बहुत संस्कारी बिया और आपके बहुत ध्यान रखले बिया और आपके प्रति बहुत प्यार बाओ में। जौन घर में ऐसन बहू होगी हमके नहीं खिलागत कि ओ घर में डॉक्टर की जरूरत होगी। ऑल राइट दादी, आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल बा और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन बॉडी। अपन ध्यान रखब, चलत बानी हम। हाँ। चलिए डॉक्टर। देख लू, शाबाश। इस समझेले का अपना आपकी एक तो हमकी बेवजह डांट देलक, ऊपर से सॉरी भी ना कहलक। अब तो इनकी डांटब और सबक सिखाई। आप ना जाने ली के दादी के रिकवरी के देख के हम कितना खुश बानी। आज अगर दादी के तबियत ठीक भइल ना तो आप ही के वजह से भइल बा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेल अभी थैंक्स हमके ना बोली, अपन वाइफ के बोली, कहे कि आज उनके वजह से आपके दादी के रिकवरी इतना जल्दी भइल। ओह लुक, शी इज हियर देयर। आई प्रज्ञा, प्लीज कम। शी इज अ रियल वुमन, आई मस्ट से दैट। आज इनकर वजह से दादी इज रिकवरिंग सो फास्ट। वेल जे तरह से आपके वाइफ दादी के ख्याल रखले बड़ी, ठीक वही तरह अगर पेशेंट्स के ख्याल रखल जाओ देन आई एम श्योर कि दुनिया में डॉक्टर्स के गिनती कम हो सकेली। का कह रहल बनी अब डॉक्टर, हम तो बस उहे कहनी जे आप कहले रहनी हमसे। नो नो, हम आपके जितना बतावले रहनी आप ओ से भी ज्यादा दादी के ख्याल रखले बानी। एंड आई मस्ट से दैट कि आप जे तरह से लोगन के फीलिंग्स और तकलीफ समझेनी वही तरह से हर केहू के ओ फीलिंग्स के समझे के चाही। अभी यू शुड बी प्राउड ऑफ प्रज्ञा, शी डिजर्व्स टू बी द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। हेलो, नमस्ते। का करत बड़ा अभी, तू जैसे बड़ो इसी रहा ना। अब कैसे रहा आप लोग के ट्रिप, कोनो परेशानी तो ना भइल? आप लोग खड़ा काहे बड़े, चली बैठी प्लीज। सो अभी यू आर मैरिड राइट? एक्चुअली फ्लाइट में हमनी के तोहार कुछ फैंस मिलल रहे, उनसे पता चलल कि तोहार शादी हो चुकल बा। लेकिन ई बात हम तोहार मुंह से सुने के चाहतनी। ओके हाँ, अब मम्मा सच का बा हम तो के बतावत बानी। अभी की जो शादी भइल बा ना वो एक्चुअली में शादी शादी नहीं है। कहा मतलब? इट्स अ फोर्स्ड मैरिज मम्मा, अभी शादी करे के ना चाहत रहे। और अभी की जो वाइफ बा ना ओके भी एक्सेप्ट ना कर ले रहे, हस्बैंड वाइफ जैसे कोनो रिलेशन ना बा। और थोड़ा टाइम में ई उ लड़की के छोड़े वाला बानी, हाँ ना अभी? आज तक तू कुछ सही बोलले बड़ू, हमार मतलब बाकी गलत ना, सही बोलत बड़ू, गलत कबो ना बोलू, सही बोलत बड़ू। थैंक गॉड, पता बा हम पूरा रास्ता यही सोचत रहनी कि अगर ये बात सच भइल तो फिर का करब हम लोग। पर अब तो सब क्लियर हो गइल बा ना मामा? ऑफ कोर्स, अभी बेटा तहार घर वाला कहीं नजर ना आ रहल बड़े। वो लोग यही पे बड़े घर के बैक साइड लोहड़ी की पूजा कर रहल बड़े ना, तो आप चाह तो मिल सकेलू, चले या? ना आप लोग ना जा सकेली। इतना दूर से आयल बानी दिल्ली से, वो भी आगे बैठ के, आगे तो लोड बहुत ज्यादा हो खेला। ये लोग के आराम करे दी, फिर बाद में आराम से हमार परिवार से मिल ली। वैसे भी हमार परिवार कहाँ भागा जा रहा बा। आई थिंक यू आर राइट, वो लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे बाड़े ऐसे वो लोग के अभी डिस्टर्ब ना करे के चाहिए, हमनी के बाद में भी मिल सकेले। कहे ना अभी से बात कर ली हल जाए। अभी व्हाई डोंट यू सीट, बैठ जा। सो यू आर ए रॉक स्टार, तोहरा बारे में हम बहुत कुछ सुनले बानी तनु से,
टीवी पे भी देख ले बानी, लेकिन तुहार पर्सनल लाइफ के बारे में हम तोहरा से सुनल चाहता नहीं। तुहार शादी तुहार मर्जी के बिना कैसे भई? और वो तुहार पत्नी ओकर ये रिलेशनशिप के बारे में का सोचल बा? यहाँ भी नहीं कि वो पता ना कहाँ चल गई ले। सब तुहार गलती बा। तू जीजू के जाए काहे देलू? अब पता ना तनु जीजू से का बात करी। तू टेंशन मत ली, देख वो जब वापस आई है ना तो हम बात कर ले उनसे। तुहार दिमाग तो ना खराब हो गई बादी, इतना अच्छा मौका तू गवा देलू। और अब देखिए वो तनु ने मौका के पूरा फायदा उठाई, पता ना जीजू से का कही। दी तू जीजू के साथ फेरा ले ले बाड़ू, ऐसे में इंसान अपन शादी से कनेक्ट करेला। शायद जीजू भी उहे सोचत हो कि तोके ना जीजू से सब कह देवे की चाहत रहे, पता चले जीजू मान जाते। बातें तो करे गेल रहे ना बुलबुल, लेकिन जब वो सामने आवेले ना हमरा के समझ में ना आवे हम का बोली का ना करी, हमरा के कुछ पताना चले ले। जब उनके सामने जाए लेने तो हालत खराब हो जाएला, हिम्मत साथ ना देवेले। जब बोले की कोशिश करे ले तो जबान साथ ना देवेले, हमरा के कुछ समझ में ना आवेले। सो ऑन द होल तू ना करबू ना, हम ऐसे ना थोड़ी करल बानी। हम तो बोली ना, देख बुलबुल अब की बार जब वो सामने आई ना हम ना आप देख अपना ताव जी मन में ये सब बोल देवा उनका से। लेकिन दी ना 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 बुलबुल, देख बुलबुल तू गुस्सा मत करी, तू गुस्सा करेली ना तो हम नर्वस हो जाएली। ठीक बा गुस्सा ना करब, लेकिन तू नर्वस मत हो। लेकिन ई बार हमके रिजल्ट चाहिए, बहाना ना चाहिए समझ लो, वरना हमके भी ना पता हम का करब। तनु आई मस्त से अभी के ना सिंगिंग के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल के बा। मामा अगर आप अभी के साथ दो दिन रहब ना तो आप अभी के फैन हो जाइबू। रियली दो दिन? अभी वैसे तहार वाइफ आई मीन लड़की अहिजे रहले? साथे ना रहले मामा, बस एक के घर में रहले। एक बात हमके समझ में ना आई अभी, आई मीन तू इतना बड़ रॉकस्टार और वो एगो गरीब मामूली घर के लड़की, तू एकरे साथ मैनेज कैसे करेला? केहू के देख के अगर इरिटेशन होत हो के तो उहे के साथे एक ही घर में रहब, इजंट इट अ हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यू? इट इज हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ बहुत इरिटेटिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सेंसिबल भी बिया, मैच्योर बिया, डाउन टू अर्थ बिया, मिडिल क्लास फैमिली से बड़ी लेकिन बहुत पढ़ा लिखल बिया। शी इज वेरी गुड टीचर, और ओकर सबसे अच्छा बात ई बा के ऊ अर्जेस कैल जाने ली। हम हमेशा ओकरा पे गुस्सा होके ली डांटी ले, लेकिन ऊ लेकिन ऊ कबो गुस्सा ना होके ली, अजीब हरकत करी ली लेकिन हमके संभाल ले ली। अब अगर तू आपन मुँह से इतना तारीफ कर रहल बाड़ा तो फिर हमनी के उसे मिले के चाहिए। आंटी एक्सक्यूज मी वन मिनट, तू यहाँ का करल बड़ू केकरा कला पे यहाँ आइल बड़ू? बाहर इतना सारे गेस्ट बड़े हो, तोरा के दादी के साथ होके के चाहिए ना, उ तोरा के ढूंढल होगी। दादी हमके ढूंढत ना होगी, उनके पास ही आवत बनी हम। तब तोरा गेस्ट के साथ होके के चाहिए? गेस्ट के साथ आप क्यों के चाहिए? आप यहाँ का कर बड़ और इके बा यहाँ का बैठल बानी? गेस्ट बनी का गेस्ट बनी तो बाहर होके चाहिए, बाहर का है ना बानी और यहाँ का बैठल भी? तू कोर्ट रूम में खड़ा बाड़ू जो इतना सवाल करता रू, चुप कने ना बाहर जा। इससे कैसे जाए पहले हमके बतावे ये बाकी हमार होके वाली सास का। अरे फुग्गी सास होके या साली का फर्क पड़ेला, तू जाना हमार माँ यहाँ से। ऐसे कैसे जाए? आप हमके परेशान लागत बानी, थोड़ा थोड़ा डरल भी लग रहा बानी, गड़बड़ बा कुछ, हम दादी के बुला के लावत बानी। ए, तू पागल हो गई बड़ू फुग्गी, दादी के बीच में काहे लावत बड़ू? आप हमारे सवाल के जवाब ना दिए तो उनके बुलावे की पड़ी ना, उनसे ही पूछे के पड़ी की बानी के। एक बा हमार माँ बता रहा बानी, ए दोनों हमार क्लाइंट बड़े, दोनों मतलब एक जी यहाँ बैठल भी दूसरा वॉशरूम में बा, ये लोग हमसे एक डील साइन कराए चाहत बड़े, यही से यहाँ बैठल बड़े हो गए, तू जाना। पता ना उकर फोन आयल रहे हो कहते रहे कोनो प्रॉब्लम में बा, ओके हेल्प चाहिए और हमके अंदर बुलावत रहे हो। प्रॉब्लम तोरा के जाए चाहिए तो फ्रेंड बाड़ो उनकर उनकर मदद कर दो। हम तो दोस्त बानी पर आप वाइफ बानी होकर, आपके होकर तो घर में अकेला बा, ऐसे अच्छा थोड़े लगेला, आप जाए ना अंदर होकर हेल्प करें। आप समझने पर अब का बोलत रहे? का मतलब का समझ लू तू? ये कि आप कौन प्रॉब्लम में बानी? कहा प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम? अरे आप ही तो पूरब के फोन करके बोले रहे ना कि आप कोनो प्रॉब्लम में फंस गए बानी और आपकी ओकर मदद चाहिए, लेकिन हम आपके पत्नी बानी ना, एक पत्नी के धर्म हो खेला पति के मदद करब। तू हमार हेल्प का करबू? अब आपके टेंशन लेवे की कौन जरूरत ना बा, हम बानी ना
हम आपकी डील नेगोशिएट करब। तू का हमार हेल्प करबू अगर तोरा असली डील के बारे में पता चल गए ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। असली डील? कौन सा असली डील? असली डील ई लोग ना हमरा से एगो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के इंडोर्स करावे चाहत बड़े और ये ऐसा प्रोडक्ट बा जेकरा बारे में ना तू सुन सकेलू ना बात कर सकेलू। अगर तू ये सब नहीं के कर सकत तो तुम्हारे यहाँ कोई फायदा नहीं है। तू 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 जा यहाँ से। ऐसे कैसे चल जाए यहाँ से? आप हमारे पति बाड़े, आपकी प्रॉब्लम हमार प्रॉब्लम, उसे आपके काम बा उसे हमके का शर्म। हम यहाँ आपके मदद कर आयल रहे, मदद करके जाए। अब एकरा ही कैसे बताएं कि यहाँ बिजनेस ना शादी के डील चल रहा बा, अगर एकरा भनक लग गई ना तो ये सनक जाए, और अगर दादी के पता चल गई नो नो नो। नमस्ते। नमस्ते। तू शायद अभी के वाइफ पाड़ू? जी जी हाँ। अभी तू कहाँ खड़ा बड़ा, बैठा ना। हाँ थैंक यू बेटा, आई रियली अप्रिशिएट कि तू हमरा से जब मिले एलू ना तो फैमिली फंक्शन छोड़ के आवेला और हमनियों के बहुत मन रहे तोहरा से मिले के। हमसे मिले के? हाँ अरे रॉकस्टार की बीबी भाड़ू, लोग तो मिली है ना। अभी तो इतना तारीफ करते रहे तुहार। तारीफ? हाँ तारीफ, हम डील के बात करते रहे। हाँ अब डील डील दो लोग के बीच के डील लगत बा अब थक गेल बानी, हम भी बहुत थक गेल बानी। एगो काम कहल जाए, कल बात कहल जाए ना। कल का है? हम नहीं आज ही बात कर, आज ही बात करब। हम आज लोड़ी बाना, लोड़ी के दिन कोनो बात की शुरुआत करब बहुत शुभ हो खेला। आज से अच्छा कोनो दिन हो ही ना सकेला, हमने आज बात करब। बिल्कुल ठीक कहलू तू, आज के दिन अगर नया रिश्ता बनी तो वो हमेशा चली। रिश्ता? रिश्ता रिश्ता ही तो बन रहा बा। ये लोग पहला बार हमने के घर आ रहा बाड़े, अब नया नया रिश्ता बन रहा बा ना। रिश्ता हो क्या डील? एक के तबाद बा बाना आंटी। आई मीन अभी मतलब देखी ना, अब एक बार रिश्ता छूट जाए उकरा बाद लोग उकरा रिश्ता बुलावे या डील का फर्क पड़ेला। टेल मी, इतना अर्जेंटली काहे बुलावलू तो हमके? कुछ बात करे के रहते हो से आलिया। वो चश्मिश वो हमार मॉम डैड से पता ना का बातचीत कर ले कि बाकी सब की तरह हमार मॉम डैड भी उही की तारीफ कर रहल बाड़े। यू नो व्हाट, हमके हमार ही गलती लग रहल बिया, अभी के हमके अकेले छोड़े के ही ना चाहत रहे। तो इतना काहे सोच रहल बाड़ू? ओके जे करे के बा ओके करे दी। यू नो टिल द टाइम एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, डोंट बॉदर। फर्क पड़ेला आलिया, हमके डर लग रहल बा कि वो कोनो प्लान तो नहीं के बना रहल बिया। फिलहाल प्लान तो तब करी ना जब तू ओके कुछ करे देबू प्लान। तू बस अपन कान और अपन आँख खुली रखा। वैसे तहार प्लान की का भइल? तू कुछ सोचले बुलबुल के बारे में? तोके याद बना कि कल ओकर एंगेजमेंट बा? ना तनु, हम पता बा रात भर सूत ना पावत बानी। ओकरा साथ जे भी करा यार सब फेल हो जाले तो जाने लू। अब तो कुछ प्लान करत भी डर लागेला हमके कि वो भी फेल ना हो जाओ। समझ ना रहल बा कि हम का करी का ना करी। रिलैक्स आलिया, टाइम की अच्छा बात होखेला कि बीत जाला। फिलहाल ओकर अच्छा टाइम चल रहल बा, पर हमने के भी टाइम आई, सब ठीक हो जाए। गुड, सी यू। अरे अरे कोने तरफ जा रहल बानी? रास्ता तो सीधा रहे ना।
तनु से मिले जा रहल बानी। का? ट्रैफिक के वजह से शॉर्टकट ले ले बानी हम। हाँ? मूड मत खराब करी, हम कहनी ना थोड़ा देर में चल जाएं। हमार माँ हमके नहीं खे जाए के बा, कहें कि अगर हम चल गए नहीं ना तो तू दादी से जाके हमार शिकायत करबू बाना। इतना भी बुरा ना बानी हम। हाँ उकरा से कहीं ज्यादा बुरा बाड़ू तू। देखा बार बार आप प्लीज ना ता गाड़ी कहीं के कहीं और हमने कहीं के कहीं पहुंच जाए। अरे सरला के बच्ची, तू पक्का शरारती हो चुकल बाड़ू। सब लोगन के काम पर लगा देलू और खुद बैठ के टीवी देख रहल बाड़ू। माँ जी आप कितना हमसे लड़े बिना खाना हजम ही ना हो खेला। आप कहीं लगेला ना कि हम इतना काम करीले, इतना टेंशन ले ले और सारा घर अपन सर पे उठा ले ले। यही से हम सोचनी आज हम कौनो काम ना करे वाला, आराम से बैठ के टीवी देखब। ठीक बा, तू आराम से बैठ के टीवी देखा, कौनो काम मत कर, हम सब काम खुद कर ले। अरे हमार पुराना हड्डी में अभी भी देसी घी की ताकत बाकी बा, सब काम हम यू मिनट में कर दे। रुकी माँ जी, हिली हमत, आप ना इतना सा भी काम मत करिया। आप इतना सा काम कहलू ना तब पूरा जिंदगी सुनावत रहू। सरला तोहरा पीछे ना हम घर के इतना सब काम कहनी। माँ जी पूरब अभी और प्रज्ञा के हम खाना पे बुलवले बानी ना, तो ठीक बा हम ही सब काम कर लेता नी। कहाँ तो जाके करा? आप दीदी और जीजू के घर पे बुलवले बानी। हाँ तू तो जल्दी घर से विदा होके चल जाए वाला बाड़ू ना, और सब पड़ोसी हमरा के पीछे पड़ल रहे। उहो तो जाने चाहत रहे ना कि वो कौन राजकुमार बा जी हमार राजकुमारी के लेके जाए वाला बा। तो हम पूरब अभी और प्रज्ञा के तीनों के आज रात के खाना पे बुला लेनी। पर माँ आप हमके काहे ना बतौलू? अच्छा तो तोके का रसोई में जाके सब खाना बनावे के रहे। ओ अब तो तू जाए वाला बाड़ू ना हमार बच्ची, हम थोड़े ना तो से खाना या काम करवाई थी। माँ हम पूरब के फोन करके आवता नहीं। बुलबुल तू बहाना मत ढूंढा बात करे के, बड़ी माँ ऑलरेडी इनवाइट कर ले ले बानी। कांत तो ही जे लगवले बाड़ू, काम का खाक कर बू, जल्दी कर। वैसे भी ये घर में काम के हूँ करेला कहा, सब काम तो हमके ही करे के पड़ेला। हाँ हाँ तो जाके काम करा ना। हाँ। हेलो हेलो पूरब, का कर रहल बाड़ा तू? हम कुछ ना, तू बतावा। हम भी कुछ ना कर रहल बानी। अच्छा सुना, जल्दी से रेडी होके यहाँ पर आ जा। अभी डिनर पर बुला लूँ लंच खातिर ना, और तनी वेट करा मिल ले। आई नो डैट पूरब, तू भी ना एक बात समझ में ना आ रहल बातों के, उकाबा की देखा दीदी और जीजू यहाँ पर अकेले आ रहल बाड़े। तो उजी चितनु बाना उ जीजू के सर पे मंडरात रहले, कोई आ ना हो कि उनके डिस्टर्ब करे खातिर। सो You know? Oh, so you mean कि दी के अभी से बात करे कि ऐसे अच्छा मौका कभी ना मिलिया? हाँ बहुत अच्छा मौका मिलल बा, but you know what, I need your help. ऐसे तो जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जा, I'm waiting for you. हाँ okay, हम आवता नहीं।